की धाराएं किसी स्थान में आकर के मिल जाती हैं और एक होकर के बहने लगती है तो उसे हम वेदिका कहते हैं या अपवाह तंत्र कहते हैं। हम ये देखेंगे कि अपवाह तंत्र किसे कहेंगे, विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं। अब ये आपकी क्या है, छोटी छोटी धाराएं हैं, या इधर भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी विभिन्न धाराएं विभिन्न दिशाओं से आकर के एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ मिल करके जब प्रवाहित होती हैं, प्रवाह का अर्थ होता है बहना, जब कई दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक साथ मिल करके प्रवाहित होती हैं तो इस प्रकार के तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं या द्रोणी कहते हैं, अपवाह तंत्र या द्रोणी कहते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जब विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं धाराएं प्रवाहित होते हुए एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ मिलकर बहने लगती हैं तो उसे हम अपवाह या द्रोणी के नाम से जानते हैं। इसे हम अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं या अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम हिमालय तंत्र और नंबर दो है पठारी तंत्र के नाम से जानते हैं पठारी नाम से जानते हैं। इसे हम हिमालय की नदियां अर्थात ऐसी नदियां या ऐसा अपवाह तंत्र जो हिमालय के पर्वत से होकर गुजरता है उसे हम हिमालय अपवाह तंत्र कहते हैं। नंबर एक है हिमालय अपवाह तंत्र, ऐसी नदियां या द्रोणी, ऐसी द्रोणी जो हिमालय
पर्वत, हिमालय पर्वत से निकलकर निकलकर किसी समुद्र या महासागर में मिलती हैं। उसे हिमालय अपवाह तंत्र या उत्तर भारत का तंत्र या सतत तंत्र के नाम से जानते हैं जैसे मानसरोवर झील, से सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब आदि नदियां निकलती हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी इसी मानसरोवर झील से निकलकर अपवाहित होती है, जिसे हम हिमालय अपवाह तंत्र के नाम से अथवा उत्तरी भारत अपवाह तंत्र अथवा सतत तंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरी हेडिंग है आपकी दक्षिण के पठारी अपवाह तंत्र। दक्षिण का पठारी अपवाह तंत्र इसके पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि गंगा तंत्र, गंगा बेसिन तंत्र, अमेजन बेसिन तंत्र जैसे हम जानते हैं, उसी तरह से गंगा तंत्र है, सिंधु तंत्र है, ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये तंत्र के नाम से हम जानते हैं। अब हम जानेंगे कि पठारी अपवाह तंत्र। तो ऐसे ऐसा तंत्र जिसका उद्गम दक्षिण के पठारों से हुआ हो, उसे पठारी अपवाह तंत्र या असतत तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम देख सकते हैं महानदी तंत्र,
महानदी, तंत्र, कावेरी, कावेरी तंत्र, कृष्णा, एवं गोदावरी तंत्र। गोदावरी तंत्र, गोदावरी तंत्र इसी श्रेणी में आता है, इसी श्रेणी में आता है। गोदावरी तंत्र इसे हम प्रायद्वीपी, इसे हम प्रायद्वीपी उच्च भूमि, प्रायद्वीपी उच्च भूमि तंत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपी उच्च भूमि के तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, सोन। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त चंबल, केन, बेतवा आदि नदियां शामिल हैं, आदि नदियां, आदि नदियां शामिल हैं। देखिए, पठारी, पठार को हम प्रायद्वीपी उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस अपवाह तंत्र को हम प्रायद्वीपी उच्च भूमि तंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गोदावरी तंत्र, बेतवा तंत्र, केन तंत्र और चंबल आदि नदियां आती हैं और आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है या किसी न किसी वितरिका के रूप में विकसित होती हुई अरब सागर में या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जैसे अलकनंदा देवप्रयाग में, गंगोत्री उत्तराखंड में आदि नदियां मैदानी भाग छोड़ करके मैदानों में प्रवेश करती हैं और बंगाल में या बंग के नाम से जिसे हम ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। इन तमाम चैप्टर को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।